प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। क्या कहा धन सिंह रावत ने, आप भी सुनिए। सरकार ये चाहती है कि न्याय होना चाहिए और न्याय व्यवस्था पे हम सबको जो है भरोसा करना चाहिए और सरकार का कहीं से कहीं तक कोई इसमें ना कोई मतलब है। लेकिन अब यह है कि चूंकि उस समय जब स्टिंग की बात आई थी तो विधायकों के खरोद फरोज की बात आई थी तो नेचुरली जो है कोर्ट में ये मामला है और कोर्ट खुद न्याय उसमें करेगा। खरीद फरोख्त की बात है तो जिन विधायकों के यहाँ पर जिक्र आया था, कुछ ऐसे भी विधायक है जो बागी तौर पर आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में सवाल तो बीजेपी की तरफ भी आकर खड़ा होता है कि आखिर जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो आखिर सवालों में केवल कांग्रेस ही क्यों? देखिए, यहाँ जो लोग खरीद फरोख्त में उसमें शामिल थे ये कहीं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का मामला है, ये उनका नितांत निजी मामला था। और ये बातें जब खुली कि भाई इसमें खरीद फरोख्त हुई तो अभी तो क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट में विचाराधीन मामला है तब तक हम इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल सवाल यहाँ पर ये है कि बार बार आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं, आप सीबीआई ईडी का इस्तेमाल अपनी तरफ से करते हैं, अभी देखा जाए तो मामला फिलहाल के लिए शांत हो चुका है लेकिन 1 अक्टूबर की फिर से डेट मिल गई है, आपको क्या लगता है कि वाकई में ही बार बार कांग्रेस की तरफ से आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठाना क्या कहीं ना कहीं जो है आशंका है इस तरफ? देखिए, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भारी मतों से हारी है, फिर लोकसभा चुनाव हारी है, फिर कॉपरेटिव के चुनाव हारी है, फिर नगर निगम के चुनाव हारी है। तो चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कई बार क्या होती है कि कुछ नहीं तो मामला कह दो कि सावे ईडी का है, ये जो है सीबीआई का है। देखिए, कोर्ट अपना काम करता है, सीबीआई अपनी काम करती है। और जब देश में लगभग आज़ादी के बाद लगभग पूरी बार जो है देश में कांग्रेस की सरकारें थी तभी सीबीआई का मामला होता था, तो हम तो कभी नहीं कहते थे ऐसी बातें। मुझे लगता है कि न्याय प्रक्रिया पे सबको भरोसा रखना चाहिए।